आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर है कर्नाटक से। कर्नाटक के चामराजनगर से बड़ी खबर यह है कि चामराजनगर में 24 लोगों की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत हुई है। ये बड़ी दुखद खबर है, कर्नाटक से निकलकर सामने आई है, जहां पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से 24 लोगों ने दम तोड़ दिया। बेल्लारी से ऑक्सीजन लाने में देरी बताया जा रहा है, देरी से ही हादसा हुआ ऐसी खबर है, जिसके बाद से ही अब कई तरह के सवाल। हालांकि हर राज्य सरकार पर इस वक्त संकट है, आप कह सकते हैं बहुत बड़ी चुनौती राज्य की सरकारों के सामने है। और कर्नाटक के चामराजनगर से बड़ी खबर है, यहाँ ऑक्सीजन की कमी की वजह से 24 लोगों ने दम तोड़ दिया। खबर यह है कि बेल्लारी से ऑक्सीजन को मंगाया गया था, ऑक्सीजन लाने में देरी हुई और ऑक्सीजन पहुंचने से पहले ही 24 लोगों ने दम तोड़ दिया। अब जो परिजन है उनका रो रो कर बुरा हाल है। पहले वैक्सीन के लिए दर दर की ठोकरें सभी को खानी पड़ी, उसके बाद अब वैक्सीन की प्रक्रिया जब आई, उम्मीद ये जगी कि कोविड के केसेस में कमी आएगी, लेकिन वो होता हुआ दिखाई नहीं दिया। लगातार केस बढ़ रहे हैं, उसके बाद मरीजों की बड़ी संख्या है अस्पतालों में। अलग अलग राज्यों में हर राज्य से डिमांड ऑक्सीजन की है, केंद्र सरकार पर भी भारी दबाव, यकीन मानिए। और कर्नाटक के चामराजनगर से जब ये खबर निकलकर सामने आई है तो चिंता एक बार फिर से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से 24 लोगों की जान चली गई। अभी बड़ी संख्या में मरीज हैं जो अस्पतालों में भर्ती हैं, इलाज के उनको दरकार है, लगातार ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं। उम्मीद सिर्फ और सिर्फ राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार है कि ऑक्सीजन की कमी ना हो और ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी की जान ना जाए। ये कोशिश भी लगातार सरकारें कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी तस्वीरें जब उभर कर सामने आती हैं, निकल कर सामने आती हैं, दुखद, वाकई में दुख होना लाजमी है। ऑक्सीजन की कमी से 24 लोगों की जान गई। बेल्लारी से ऑक्सीजन को मंगाया गया था, ऑक्सीजन पहुंचता उससे पहले ही 24 मरीजों ने दम तोड़ दिया। देश के कई राज्य हैं जो कोविड से बेतहाशा परेशान हैं, वो महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, राजस्थान भी उसमें शामिल है। कर्नाटक के हालात ही बदतर हैं, गुजरात की स्थिति बेहद भयावह है और अलग अलग राज्यों से लगातार खबरें मरीजों की मौत की, कोविड के केसेस में इजाफे की। और आज सुबह सुबह ऐसी खबर निकल कर सामने आई जो कि बेहद दर्दनाक की है। बड़ी संख्या में मरीज अस्पतालों में हैं, मरीजों के तीमारदार भी हैं, धीरे धीरे सभी का हौसला टूट रहा है, यकीन मानिए। लगातार हर गुजरते दिन के साथ जो खबरें आ रही हैं मामलों में इजाफे की, कोविड के केसेस की, या फिर ऑक्सीजन की कमी की वजह से जान जाने की, उसके बाद से ही हर कोई हताश निराश होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसी बीच कर्नाटक से भी खबर डराने वाली है।